हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। इसके रिलेटेड कई न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है ट्राइडेंट पर, और इसका रेट आपको जल्द से जल्द 70 रुपीज़ भी जाता हुआ दिख सकता है। किस लिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम देखेंगे, और ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपको जल्द से जल्द ब्रेकआउट करता हुआ भी दिख सकता है। जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 57 रुपीज़ का, वो भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या रह सकता है। अगर आप ट्राइडेंट में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। एंड तक बने रही है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिमाइंडर दे देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाजू की बेल की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की प्रॉफिटेबल ट्रेड सबसे पहले मिले। चलिए पहले तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है 56 रुपीज़ 45 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1.35% की बढ़त दिखाया है ट्राइडेंट ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आज कंपेयर टू पिछले दिन। और अगर हम पॉजिटिव साइड देखें फ्रेंड्स, तो ये अपने डे के हाई के पास ही क्लोजिंग दिया है। ये ओपन हुआ था 56 रुपीज़ पर, ये हाई लगा 56 रुपीज़ 90 पैसे और लो लगाया 56 रुपीज़, और यहाँ देख सकते हैं आप इसने अपने हाई के पास ही क्लोजिंग दिया है। चलिए जल्दी से वॉल्यूम एनालिसिस भी देख लेते हैं। यहाँ वन मंथ का एवरेज है 65 लाख, वन वीक का एवरेज 59 लाख, और यहाँ आप देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम था 74 लाख, और आज 42 लाख का वॉल्यूम था। चलिए जल्दी से हम इसका इसके रिलेटेड न्यूज़ क्या निकल कर आई है वो भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं केयर, ये एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने ट्राइडेंट को पॉजिटिव करार दिया है फ्रेंड्स, और इन्होंने रेटिंग दी है केयर AA से बढ़ाकर पॉजिटिव देकर इन्होंने केयर A1+ कर दी है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये रेटिंग एजेंसीज ऐसे ही तुक्के में रेटिंग नहीं देती फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कंप्लीट रिसर्च टीम बैठी हुई रहती है और अपना एनालिसिस करके ये रेटिंग देती है फ्रेंड्स। तो ये रेटिंग निकल कर आई है, ये रेटिंग एजेंसी ने केयर A1+ का रेटिंग दी है ट्राइडेंट को, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सटाइल यान फर्म्स डिमांड ड्यूटी फ्री कॉटन। यान फर्म्स जो एक ट्राइडेंट भी एक है, तो इन्होंने डिमांड किया है सरकार से इसे ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट्स करें, क्योंकि इसका प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है कॉटन में, तो जिसके चलते यान फर्म्स निकल कर आ रही है, वो सरकार से डिमांड कर रही है कि उन्हें ड्यूटी फ्री कॉटन बाहर के देशों से इंपोर्ट करवाने में मदद करें। इसके रिलेटेड और कुछ न्यूज़ निकल कर आती है तो हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी अगर सरकार की तरफ से अप्रूवल आ जाता है और इन्हें ड्यूटी फ्री कॉटन मिल जाता है तो फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखें फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं अनिल सारिन, ये एक एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी है अभी भी रियल इस्टेट टेक्सटाइल, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सटाइल में और कैपिटल गुड सेक्टर में जो है एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सटाइल भी इंक्लूड किया है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे कि ट्राइडेंट है उसमें निवेश करके रह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ कवर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐश्वर्या, ये भी एक एनालिस्ट है, उन्होंने भी टेक्सटाइल और पेपर पर एम्फसाइज़ किया है फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि इस समय बेट कर सकते हैं आप टेक्सटाइल और पेपर पर, इसमें निवेश कर सकते हैं, अगर आप निवेश करेंगे तो इसमें एक हाई रिटर्न देखने को मिल सकता है। कई एनालिस्ट का मानना है कि इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए अब हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं इसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है और आपके नेक्स्ट लेवल और टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर हम चार्ट पर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि है 56 रुपीज़
₹57 के करीब जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां पर आकर रुका हुआ है ट्राइडेंट। और अगर ये ब्रेक करता है, यहां आप देख सकते हैं पिछले दो दिन से इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट हमारा लेवल रहेगा ₹60। अगर ये ₹60 भी ब्रेक कर लेगा तो नेक्स्ट ₹64 का टारगेट भी जल्द से जल्द अचीव करता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। इस समय इसमें हाई वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस मंथ में सभी कंपनीज़ रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं और ट्राइडेंट ने तो ऑलरेडी सभी को नोटिफिकेशन दे दिया है कि ये जल्द से जल्द अपना रिजल्ट पोस्ट करेंगे। तो इसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी तो हम अपने चैनल पर अवश्य पोस्ट करेंगे फ्रेंड्स, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आपने लेवल्स और टारगेट्स देख लिए हैं फ्रेंड्स, तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं हम। क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा रिजल्ट पोस्ट कर सकता है ट्राइडेंट। अगर हम पिछले चार क्वार्टर का डेटा कंपेयर करेंगे, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक अगर हम कंपेयर करेंगे, मार्च 2021 में इसने 76 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है और जून के महीने में इसने 204 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है फ्रेंड्स। और सितंबर 2021 के महीने में इसने 229 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है और दिसंबर 2021 में इसने 209 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं लगातार ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट पोस्ट करता हुआ आ रहा है और हम आशा करते हैं कि इस क्वार्टर भी प्रॉफिट पोस्ट कर सकता है ट्राइडेंट। और पॉसिबिलिटी है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकता है। अगर डिविडेंड देगा तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि आपने देखा ही है 2021 में इसने दो क्वार्टर में 2021 में इसने अपने दो क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया था और दो क्वार्टर में डिविडेंड भी पे किया था। अब देखना होगा ट्राइडेंट अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में जो है डिविडेंड देता है क्या नहीं, ठीक है। अगर डिविडेंड देगा तो ये शेयर होल्डर्स के वारे न्यारे हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स। ये तो मेरे व्यूज़ थे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इंकरेज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाजू बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अपडेटेड न्यूज़ सबसे पहले मिले।